आंटी शुभांगी आजवल्ट, कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमारा थंबनेल आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने आर्ट मटेरियल को शेयर करने वाली हूँ। जो भी कलर्स मैं यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कलर मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग कलर्स का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पेंटिंग बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं किसी भी पेंटिंग को बनाने से पहले हमें उसे ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस पेंसिल से हम लोग अपनी पेंटिंग को ड्रॉ करें, और मैं कौन सा पेंटिंग में यूज़ करती हूँ ये भी मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले जो भी लोग बिगनर्स हैं, जितने भी बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मार्केट में जो भी पेंसिल अवेलेबल है, जैसे कि अप्सरा, नटराज, क्लासमेट्स, किसी की भी पेंसिल जो भी कंपनी की आप यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाए। अब आती है बात कि मैं कौन से पेंसिल यूज़ करती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ, मैं ये क्लच पेंसिल यूज़ करती हूँ, इसे मैकेनिकल पेंसिल भी बोला जाता है। तो मैं अपनी पेंटिंग के लिए ये क्लच पेंसिल यूज़ करती हूँ, और आप लोग भी चाहे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये मैं स्ट्रेटनर का यूज़ करती हूँ, आप लोग चाहे तो फैबर क्रिस्टल का भी ये यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में आप लोगों को इजीली फैबर क्रिस्टल का मिल जाएगा। तो चलिए पेंसिल का तो बात हमने कर लिया, अब बात आती है कि कलर पेंसिल मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन सा कलर पेंसिल यूज़ करती हूँ। तो मैं देखिए, मैं ये फैबर क्रिस्टल का कलर पेंसिल यूज़ करती हूँ। फैबर क्रिस्टल का कलर पेंसिल आप लोग जितने भी बिगनर्स हैं, आप लोग भी स्टार्टिंग कर रहे हैं पेंसिल कलर से, तो आप लोग ये फैबर क्रिस्टल का कलर लें और इसे यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप अच्छी तरह से सीख गए हैं तो फिर आप स्ट्रेटनर का ये पेंसिल कलर यूज़ करें। मैं दिखा रही हूँ, ये स्ट्रेटनर का स्ट्रेटनर ल्यूना वाटर कलर पेंसिल है। मतलब आप इस कलर को जब यूज़ करिएगा तो आप इसमें थोड़ा वाटर मिला के भी इसे मिक्स कर सकते हैं, बाकी आप पेंसिल कलर की तरह यूज़ करिए। ये काफ़ी सॉफ्ट चलता है और काफ़ी अच्छी इससे पेंटिंग हमारी बनती है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, आप लोग भी चाहे तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग डिफरेंट स्टाइल का अभी पेंटिंग्स किस किस स्टाइल में कौन से कलर का यूज़ करते हैं, वो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो ये तो हमारा हो गया कि हम लोग पेंसिल कलर कौन सा यूज़ करें। अब बात आती है कि जब हम लोग मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा कलर यूज़ करें। तो अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो ड्रॉ करने के लिए आप लोग अगर स्टार्टिंग है तो आप लोग पहले पेंसिल से ड्रॉ करें, और अगर आप लोगों का स्टार्टिंग हो चुका है, आप लोग समझने लगे हैं मधुबनी पेंटिंग को, तो फिर आप लोग नीम पेंट का यूज़ करें अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए। नीम पेंट काफ़ी अच्छी होती है, नीम पेंट से हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से ड्रॉ होता है हमारा पेंटिंग। तो नीम पेंट का आप यूज़ करें, और साथ ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर आप लोगों के पास नीम पेंट नहीं हो तो ये ओशन का जेल पेंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ओशन जेल पेन है जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग ड्रॉ करने के बाद इससे अपने लाइन को बना सकते हैं, और अगर इसके बाद आप लोगों को अच्छे से आ जाए फिर आप लोग इस लिंक पेन का यूज़ करें। मधुबनी पेंटिंग जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मोस्टली हम लोग लिंक पेन से ही बनाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए यह
निब पेन है और ये हम इसके साथ हमारे पास 5 निब दिया जाते हैं। इस तरह से हमारे पास ये निब है, आप देख सकते हैं। अब हमें ये इसमें अपने निब को लगाना है, इस तरह से हम अपने निब को फिट करेंगे यहाँ पर। इसमें देखिए ये निब हमारा फिट हो चुका है और इस निब से अब हम लोग अपनी पेंटिंग को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इस निब से हम लोग अपनी पेंटिंग को ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग जो भी बिगिनर्स हैं वो लोग पेन से करिए, और जिन्हें पता चल गया है वो लोग जरूर एक बार निब पेन से ट्राई करें। निब पेन भी आप लोगों को इजीली मार्केट में अगर ना मिले तो आप लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पर ये आराम से मिल जाएगा। मैं जो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी जाकर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि जो भी बच्चे हैं वो कौन से कलर यूज़ करें। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग कौन सा कलर यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से उन एज के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहता है क्रियॉन्स। क्रियॉन कलर जो होता है वो बहुत बेस्ट रहता है उन लोगों के लिए। मैं दिखाती हूँ, क्रियॉन में आप ये क्रियॉन बैग्स यूज़ कर सकते हैं, अप्सरा का ये क्रियॉन कलर। और इसके अलावा आप क्लासमेट का ये ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही कलर बहुत अच्छा चलता है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये दोनों कलर। आप ये दोनों में से कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं अपने ड्राइंग को बनाने के लिए। सो जब हमने अब मधुबनी पेंटिंग की बात कर ली तो अब हम लोग मंडला आर्ट को क्यों छोड़ें। तो चलिए देखते हैं कि मैं मंडला आर्ट में कौन सा पेन यूज़ करती हूँ बनाने के लिए, और जो भी लोग बिगनर्स हैं वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मंडला आर्ट बनाने के लिए अभी प्रेस्ट्रो का टेक्निकल पेन यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये टेक्निकल पेन है, ये मैं यूज़ करती हूँ। और इसमें आपको 6 डिफरेंट साइज के पेन्स मिल जाते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 एंड 0.8। इस तरह से हमारे पास 6 पेन हमें मिलते हैं जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से हम मंडला पेंटिंग बना सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं, आप अभी सीख रहे हैं मंडला आर्ट या मंडला आर्ट करना, तो आप ये ओशन लिंक जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग जब मंडला आर्ट बनाते हैं तो आप गौर करते होंगे ब्लैक कलर से ही मोस्टली मंडला आर्ट हम बनाते हैं, इसलिए मैं ये दोनों प्रेफर करूँगी आप लोगों को कि आप लोग इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं मंडला आर्ट बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं वाटर कलर की तरफ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सा वाटर कलर यूज़ करें। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये वाटर कलर यूज़ करें, ये आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा मार्केट में और बहुत ही सस्ते दाम में ये मिलता है ये वाटर कलर, और ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी रहेगी। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग इस कलर को ज़रूर यूज़ करें, ये काफ़ी सस्ते दाम में आप लोगों को मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक 20 रुपीज़ इसका प्राइस होता है, आप लोग आराम से परचेस कर सकते हैं और इससे आप लोग अपने वाटर कलर को यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इस कलर को, ये डॉम्स का कलर है, आप नॉट ओनली वाटर कलर, इसे आप पोस्टर कलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वाटर कलर लेना है तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं और पोस्टर कलर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पोस्टर कलर फैब्रिक क्रिस्टल का है। जो भी बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं वो फैब्रिक क्रिस्टल का ये पोस्टर कलर यूज़ करें। टेम्परा पेंट, ये जो टेम्परा पेंट है ये बहुत अच्छा चलता है, आप लोग एज अ पोस्टर कलर इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो वाटर कलर पोस्टर कलर दोनों के लिए ये बेस्ट है, चीप प्राइस में मिलता है और काफ़ी अच्छा।
आती है बात कि मैं कौन सा कलर यूज करती हूँ वॉटर कलर बनाने के लिए, तो मैं फेबर क्रिस्टल का ये पेस्ट वाला आर्टिस्ट वाटर कलर यूज करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छे सारे कलर में आपको 13 कलर इसमें मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ होता है ये वाटर कलर, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको। और ये मैं बता दूँ आप लोगों को, ये 5 ml है इसमें कलर, और ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ख़त्म हो जाता है, ये काफ़ी दिन आपका चलेगा और ये काफ़ी अच्छा कलर होता है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग परचेज कर सकते हैं आराम से अपने मार्केट से इस कलर को, तो आप चाहे तो ज़रूर परचेस करें। और अब ये हो गया, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम लोग कपड़े पे वर्क कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे कपड़े पर वर्क किया हुआ रहता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं अभी यहाँ पर हमारे जो सीट है इस पे भी जो वर्क है ये पेंट का ही वर्क है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस पेंट का वर्क है। इसके लिए हम एक्रिलिक और फैब्रिक कलर का यूज़ करते हैं कपड़े पर कोई भी पेंट करने के लिए, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो या फिर कोई भी अलग स्टाइल का पेंटिंग हो। अगर आप कपड़े पे कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है फैब्रिक कलर आप यूज़ करें या फिर फैब्रिक क्रिस्टल का एक्रिलिक कलर आप यूज़ करें। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये हमारा फैब्रिक क्रिस्टल का फैब्रिक कलर है और ये आप लोग को इजीली मार्केट में मिल जाएगा। पीस में लीजिएगा तो इसका प्राइस 20 rupees पर जाता है और ये 15 ml का बॉक्स है और ये काफ़ी दिन आपको चलेगा। आप मार्केट से अगर सिंगल परचेस करते हैं तो इसका 20 rupees प्राइस है, और अगर ऐसे करते हैं तो शायद आप लोगों को सस्ता पड़े, तो आप लोग ये पूरा बॉक्स ही खरीदें। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसके अलावा ये एक्रेलिक पेंट यूज़ करती हूँ, ये भी फैब्रिक क्रिस्टल का है, और ये दोनों फैब्रिक क्रिस्टल का एक्रेलिक कलर और ये फैब्रिक कलर दोनों ही बहुत अच्छा होता है, आराम से आप इसे यूज़ करें किसी भी कपड़े पे, ये बहुत दिन तक कपड़े पर रहता है, ऐसा नहीं है कि आप धोइएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। इसका वर्क बहुत ही अच्छा होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब जब हम लोग कर चुके हैं इन दोनों कलर्स का बात, वाटर कलर, फैब्रिक कलर, फैब्रिक क्रिस्टल कलर, सारे कलर का यूज़ हो चुका है, तो अब एक बात आती है कि अगर हम स्केच कलर का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा स्केच कलर यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रहेगा फैब्रिक क्रिस्टल का ये स्केच कलर, ये पेन स्केच कलर है और ये काफ़ी अच्छा स्केच कलर है। आप लोग इसे चलाएगा ऑलमोस्ट ये 1 साल चलता है, बाकी कोई भी आप अगर लेते हैं स्केच कलर तो आपका 1 सप्ताह भी वो ठीक से नहीं चलेगा, पर ये कलर मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये कलर कम से 8 months, 9 months, इवन 1 साल से ज़्यादा भी कभी कभी चल जाता है अगर आप रेगुलर नहीं यूज़ करते तो। और ये सबसे बेस्ट इसमें क्वालिटी ये है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होता, ये कलर अगर आप छोड़ दिए हैं थोड़ा दिन करके तो ऐसा नहीं है ये ख़राब हो जाएगा। बाकी आप मार्केट में कोई भी कलर लेते हैं तो देखिएगा स्केच कलर जल्दी सूख जाता है, ये कलर भी हमेशा सही रहता है और बहुत ही अच्छा कलर है ये। और ये जो मैं मंगवाई हूँ ये 50 piece का पेंट कॉम्बो है, आप देख सकते हैं, और इसका एक छोटा भी आता है जिसमें 25 या 24 piece रहता है, आप चाहे तो वो भी मंगवा सकते हैं। और अब बात आती है कि सारे कलर्स को हमने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है, मतलब जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं, हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए, या फिर हमें कुछ लिखना है, जैसे हम लोग पोस्टर बनाते हैं उसमें अगर हम लोगों को कुछ लिखना रहता है तो तब हम लोग क्या करें। तो लिखने के लिए मैं बेस्ट बोलूँगी आप लोगों को, अगर कुछ कम में लिखना है, अगर पतले राइटिंग में लिखना है तो आप अपने पेंटिंग्स पे ये नैनो कलर यूज़ कर सकते हैं, ये जेल पेन है, इसमें आपको जेल पेन भी मिलेगा, बॉल पेन भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको ग्लिटर पेन और हाइलाइटर जैसे पेन का भी 4 different combo है,
इसमें और ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे मंगवा सकते हैं। ये आप जब भी कुछ लिख रहे हैं अपने पेंटिंग के ऊपर मैसेज जैसा, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी अगर ब्लैक कलर से कुछ किए हैं तो मोस्टली कोई भी कलर ब्लैक पर चलता नहीं है, तो आप ये वाइट पेन यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट जेल पेन है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आराम से। आप ये वाइट कलर का पेन यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। इवन आप जब स्केचिंग करते हैं तो आईज बनाने के लिए और कहीं हाईलाइट पोर्शन के लिए भी हम लोग अपने स्केचिंग में भी वाइट पेन का यूज़ करते हैं, तो आप लोग आराम से वाइट पेन परचेज कर सकते हैं। इसका बहुत ही कम काम पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है और आपकी पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाने में बहुत हेल्प करता है, तो आप लोग ये ज़रूर ले सकते हैं आराम से। काफ़ी अच्छा और काफ़ी आई थिंक बेस्ट है। तो अब हमने कलर्स देख लिया, पेन भी देख लिया कि हाईलाइट कैसे करना है। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि ये सारे जो पोस्टर कलर, फैब्रिक कलर और मैंने एक्रेलिक कलर, वाटर कलर बताया, तो इसके लिए ब्रश का ज़रूरत पड़ेगा। सॉरी, तो हम लोग कौन सा ब्रश यूज़ करें? तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि फैब्रिक क्रिस्टल का जो कलर आता है वो आप लोग आराम से ले सकते हैं, फैब्रिक क्रिस्टल का ब्रश, अगर आप बिगनर्स हैं तो। पर अगर आप बिगनर्स थोड़ा सा आप सीख चुके हैं तो आप लोग, या फिर अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप लोग इन सब में ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं अभी कैमल का ये ब्रश यूज़ करती हूँ। इसमें आपको सेवन डिफरेंट साइज का ब्रश मिलता है और ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। आप लोग आराम से इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा आपके पेंटिंग में इफेक्ट लाता है ये ब्रश, और मिक्स भी काफ़ी अच्छे से कलर्स को मिक्स करता है ये। ये हमारा फ्लैट ब्रश है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है। मैं तो पहले आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना स्मूथ चल रहा है। अब राउंड ब्रश की बात आती है, तो राउंड ब्रश के लिए मैं फैबर क्रिस्टल का कलर यूज़ करती हूँ। ये फैबर क्रिस्टल का ब्रश है और इसके अलावा ये भी फैबर क्रिस्टल का है। ये काफ़ी पतला है और ये काफ़ी अच्छा चलता है। और ये सब स्ट्रेटनर का कलर पेंसिल, स्ट्रेटनर का हमारा ये ब्रश है और ये ब्रश आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, राउंड ब्रश है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी, और अगर आप अच्छे से सीख चुके हैं तो भी, ये बहुत ही अच्छा राउंड ब्रश है, आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं ये भी बोलूँगी कि फैबर क्रिस्टल का जो सेट आता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। हमारे पास नहीं है पर मैंने एक कलर फैबर क्रिस्टल का एक ब्रश यूज़ किया, इससे मुझे लगा कि फैबर क्रिस्टल का भी ब्रश काफ़ी अच्छा होता है, तो आप लोग फैबर क्रिस्टल के भी ब्रश को प्रेफर कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ को, कोई चीज़ जब हम लोग पोस्टर बनाते हैं कॉम्पिटिटिव, किसी भी कंपटीशन के लिए अगर हम लोग पोस्टर जैसा कोई पेंटिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे मार्कर और हाइलाइटर का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है। अगर हम लोग कोई भी इस टाइप की पेंटिंग बनाते हैं जो हम कंपटीशन के लिए सोच कर बना रहे हैं, तो तभी हम लोग यूज़ करते हैं। ये मार्कर मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए, और इसके अलावा मैं फेवर क्रिस्टल का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। तो आप आराम से, राइटों का ये परमानेंट मार्कर है, राइटों का ये परमानेंट मार्कर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को हाईलाइट करना है अपने पेंटिंग को, तो आप फैबर क्रिस्टल का ये हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट होता है और आराम से आप लोग अपनी पेंटिंग में इससे एक अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। तो मैं जो भी आर्ट मटेरियल यूज़ करती थी आप लोगों के साथ शेयर की, और साथ में मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, किस मीडियम में कौन सा कलर यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करें। और अगर आप लोगों को अलग अलग पेंटिंग, अलग अलग कलर के बारे में, पेंटिंग्स कलर के बारे में जानना है, तो आप लोग ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक, कोशिश करूँगी कि सारे प्रोडक्ट्स का मैं
लिंक आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोग इजीली इस वीडियो को खोलकर सारे जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को सही लगा हो वो आप लोग मंगाए। मैं जो भी यूज़ करती थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग चाहे तो कमेंट करिएगा तो मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगी कि कौन सा कलर कैसे यूज़ होता है और कितना स्मूथ चलता है जो भी मैं कलर यूज़ करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें इन सारे प्रोडक्ट्स का, बहुत ही अच्छे है और बिगनर्स के लिए जो मैंने बताया वो तो बेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। और तो चलिए चलती हूँ, थैंक यू।